Opinions and stories around the game we love, told by your favorite storytellers. Stay up to date with all things cricket. Subscribe to Cricbuzz's YouTube channel and press that bell icon now. बांग्लादेश की अगर आप पावर प्ले की स्कोर्स देखें तो ज्यादा कुछ है नहीं. विकेट्स भी गवा रहे हैं और साथ ही साथ रन भी नहीं यहाँ पे बना पा रहे हैं. विकेट खोए हैं 6-3 मैचेस में. औसतन स्कोर पावर प्ले में 32 का है जहीर. कभी कभी व्हाट हैपेंस आल्सो इज कि अगर आप ज्यादा हिटें लगा नहीं सकते लेकिन आप प्रयास करते हैं तो आप विकेट खो बैठते हैं. अगर आपके पास ऐसी टीम है जहीर, वुड यू रेकमेंड कि भाई विकेट मत खाओ, रन चाहे जितने भी बने बस विकेट मत खाओ और उसके बाद आगे खोलो, खोलने का मौका टूटे? नहीं, बिल्कुल. देखिए, जब जब आप पावर प्ले के कुछ ऐसे आंकड़े देखते हो ना, तो एक चीज बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है कि आपका विकेट के कॉलम में क्या क्या स्थिति है. और बांग्लादेश का देखा कि 3 मैच में अगर आपने 6 विकेट गवाए, मतलब ऑन एन एवरेज आप 2 विकेट गवा रहे हो मैच के, तो वो ज्यादा प्रेशर डालता है मिडिल ऑर्डर पे. फिर आपके जो एक जो फेज होती है ना, जहाँ पे आप बतौर बल्लेबाज सोचते हो कि हाँ थोड़े कम रन आए तो भी चलेंगे, आसानी के साथ बल्लेबाजी कीजिए और टेम्पो सेट कीजिए कि अगले पावर प्ले के बाद के जो अगले 3-4 ओवर होते हैं, फिर वहां पे आप सोच रहे होते कि नहीं हम पीछे हैं, हमें थोड़ा अटैक करना है, उसमें आप एक आध विकेट गवा देते हो तो फिर हो गए आपके 2 के विकेट 3. अगर आप 3 गवा चुके हो तो 3-4, तो फिर आप मतलब गेम में बिल्कुल ही पीछे हो गए ना. तो अगर आप उस तरीके से देखोगे तो मुझसे अगर आप पूछोगे कि आपको 55 पे 3 विकेट चाहिए पावर प्ले में या 40 पे कोई विकेट नहीं, तो मैं समझूंगा कि 40 पे कोई विकेट नहीं ज्यादा स्ट्रांग स्थिति है. जो हम पावर हिटर्स की भी अभी बात कर रहे थे कि अगर आपको उनको प्लेटफॉर्म प्रदान करने की बात कर रहे हो, तो अगर आपके पास विकेटें हाथ में रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप पावर हिटर्स को कभी भी प्रमोट कर सकते हो. लेकिन पावर हिटर से दूसरा रोल अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो फिर मामला गड़बड़ हो जाता है. तो उस नजरिए से अगर आप देखोगे तो विकेटों का बहुत ज्यादा महत्व है इस गेम में, बतौर गेंद के साथ या बल्लेबाजी के साथ. आपको अगर उसको आप अहमियत देने लगो ना, तो फिर आपको गेम समझने में और ज्यादा आसानी हो जाती है, या जो बल्लेबाजी कर रहे होते हैं उनके लिए भी आसानी हो जाती है कि आपको किस चीज को ज्यादा प्रायोरिटी देना है. या जब प्रेशर सिचुएशन होती है ना कि आप गेम से थोड़े पीछे हो, कि आपने रन नहीं बनाया, कि आपने पावर प्ले में सिर्फ 6 ओवर में 40 ही बनाया है लेकिन आपने विकेट नहीं गवाया, तो आप बतौर खिलाड़ी अगर आप उस चीज को अहमियत दे रहे हो कि या कम्युनिकेट कर रहे हो 2 खिलाड़ी बीच में जब बल्लेबाजी कर रहे, तो फिर आप देखोगे कि वो खिलाड़ी हमेशा गेम के आगे होते हैं या प्रेशर सिचुएशन हैंडल करने में वो हमेशा दूसरे लोगों से आगे होते हैं.